नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन हुंकार न्यूज। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मिसाल पेश करूंगा। ये भाई साहब विकलांग है, आपने बहुत सारे विकलांगों को आपने सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, गंगा जी के किनारे, यानी जहां भी पर्यटन स्थल हैं वहां पे आपने भीख मांगते हुए देखा होगा ज़्यादातर इन भाई साहब जैसे विकलांग लोगों को। और मैं इस समय इंदिरा नगर लखनऊ में हूँ और यहाँ पे मुझे ये भाई साहब मिले। मुझे लगा कि एक ये जो है समाज में मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ जो लोग भीख मांगना समझते हैं, एक अभिशाप समझते हैं कि भगवान ने मुझे विकलांग बना दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक जोमेटो की फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहे हैं और इनसे जानते हैं, आखिर इन्होंने भीख मांग कर खाना उचित क्यों नहीं समझा और मेहनत करके खाना क्यों उचित समझा। भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं और पता बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। मैं सी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, गाजीपुर लखनऊ का। अच्छा, यानी लखनऊ लोकल के ही आप निवासी हैं। अच्छा, आपने देखा होगा भाई साहब कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा विकलांग हैं, कहीं ना कहीं वो एक मान लीजिए जैसे आप हैं वैसे कई लोगों अपने जैसे लोगों को देखा होगा सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे, या जहाँ भी लोग ज़्यादातर एकत्र होते हैं वहाँ पे आपने ज़्यादातर देखा होगा थाली कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। आपने शादी किया कि नहीं? हमारी शादी हो चुकी है। दो बच्चे भी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं जोमेटो कंपनी में? जोमेटो में 15,000 मंथली आप बता सकते हैं। तो भाई ये छोटा सा मैं आप दृश्य सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखाना चाह रहा था कि विकलांग होना ठीक है, भगवान की प्रकृति की मार है, लेकिन इसको वास्तव में विकलांग ना, अपने आप को विकलांग ना समझे। यानी कि एक आप ये समझ सकते हैं कि समाज में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे वो विकलांग भी क्यों ना हो वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, क्यों भाई? तो बस इतना ही। और इस वीडियो को, इन भाई को सपोर्ट करने के लिए अगर आपसे कोई मिलता है और सपोर्ट करना चाहता है तो आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ बताएंगे? फिर से बता दीजिए। जैसा कि भाई साहब ने अपना नंबर बताया, अगर आप लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं तो डायरेक्ट मिल सकते हैं, मेरा कोई थ्रो नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना ही और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।